मेरे वालों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे एंड यार सबकी रैंक पुश बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। अब आपकी रैंक एंड यार क्या चल रहा है यार, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। अब यार आज की वीडियो की बात करें ना, तो आज की वीडियो में दो गेम प्ले रहने वाले एंड जैसे कि आपने यार थंबनेल में देखा, तो इस दोनों गेम प्ले में ना एक गेम प्ले में अपनी फाइट एसपीआर स्वाइटी के साथ भी होने वाली है। तो यार वीडियो को एंड तक देखना है एंड अगर गेम प्ले पसंद आया ना तो यार चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। अभी के लिए यार पहले वाले गेम प्ले की बात करें तो देखो अभी चौथा सर्कल बना ही था, तो मैं यार चौथे सर्कल के सेंटर में होल्ड कर ही रहा था। तो यहाँ पे होल्ड करते करते ना अब जो पांचवा सर्कल था वो उसके मैं बिल्कुल एज पे आ चुका था। तो अभी यहाँ पे यार पीछे से काफ़ी सारी रोटेशंस आने वाली थी, अब यार आजकल ना हैकर जो है काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। तो जितना कोशिश किया करो कि एक हार्ड कवर लो, क्योंकि जो हैकर्स हैं ना वो यार बिल्कुल ही मतलब मिड रेंज खेलते हैं और भाई वो हैकर्स इतने नुबड़े होते हैं ना कि वो आप पे यार क्लोज इन तो दूर की बात है, वो आपके क्लोज भी नहीं आएंगे, क्योंकि यार ये इतने नुबड़े होते हैं एंड इनको बस एम्बॉट एंड नो रिकॉइल लगा के बैठे रहते हैं एंड मिड रेंज में यार बंदों को उतारते रहते हैं। तो जितना हो सके ना हार्ड कवर लेने की कोशिश किया करो, मतलब अगर वो सेंटर में ना भी हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए यार मैं तो कोशिश करता हूँ कि हार्ड कवर लूँ और हार्ड कवर में ना मतलब फिनिशेस भी अच्छे मिल जाते हैं एंड आपका सर्वाइवल पॉइंट्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। अभी के लिए देखो मैं ये शेक पे होल्ड कर रहा था, और मैं ये वाले शेक पे आके ना यहाँ पे भी मुझे यार चार फिनिशेस मिल चुके थे। तो अभी के लिए यहाँ पे अगला जोन जो था ना वो भी यार अपने से काफ़ी दूर शिफ्ट हो गया था। तो यार सबसे पहले काम था मतलब जो सबसे पहला काम था ना अभी अपना जो अपनी यहाँ पे व्हीकल है ना इसको सेव करना, क्योंकि अगर बाय चांस कहीं किसी बंदे ने जोन के अंदर से व्हीकल के टायर फोड़ दिए तो यहाँ पे यार अपना जोन में जाना ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अभी के लिए यार मेरे राइट साइड में भी ना जो सामने की तरफ एक बुश था ना उधर भी एक बंदा आ चुका था, तो ये वाले बंदे को भी अभी थोड़ा सा मैं सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। और अभी कुछ ही देर में मेरे को यार जोन के अंदर निकलना था, तो मैं यहाँ पे यार टाइम टाइम पे ना गाड़ी के ऊपर स्मोक करता रहूँगा। तो जो आप लोग मतलब कई बार ये भी गलतियाँ करते होंगे कि जो जब भी आप किसी शेक वेक में होल्ड कर रहे हो ना तो वहाँ पे यार स्मोक्स वगैरह नहीं करते हो, तो इसलिए यार टाइम टाइम पे स्मोक किया करो एंड जब जोन आता ना उसी टाइम बग्गी उठाते हैं एंड बंदा जो है ना वो आप पे स्प्रे लेगा। तो वहाँ पे यार आपका बग्गी का अगर टायर भी फूट गया ना तो वहाँ पे आप इजीली जोन के बाहर ही पकड़े जाओगे। तो अभी के लिए यहाँ पे स्मोक करने के बाद ना अब यहाँ पे मेरे को यार जोन के अंदर निकलना था। और जो जोन था ना वो पूरा का पूरा यार यहाँ पे ओपन का बना हुआ था, तो मुझे अभी यहाँ पे किसी भी एक बूश पे ना व्हीकल लगा के वहीं पे कवर बना के होल्ड करना होगा। तो यार ये वाला बूश ही वाला एरिया मुझे लगभग खाली दिख गया था, तो मेरे सामने की तरफ एक स्मोक हो रखा था और मैं यहाँ पे ना अभी जो भी मेरे आसपास एक व्हीकल आती है तो मैं इसको यार यहाँ से भगाने की कोशिश करता हूँ एंड पहले तो यहाँ पे एक फटाफट स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास यहाँ पे कोई शील्ड वगैरह थी और यहाँ पे अभी मैं मतलब लेट भी नहीं सकता था, क्योंकि जो बंदे हैं ना वो यहाँ पे रोटेशन दे रहे थे एंड कोई भी बंदा यार यहाँ पे रोटेशन में भी अपने को कुचल सकता था, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक स्मोक करके ना गाड़ी के अंदर गेट इन कर लेता। तो तभी यार ये लेफ्ट वाला बंदा ना अपने एक नेड कर देता है, तो मैं यहाँ पे स्मोक से थोड़ा पीछे हट जाता, क्योंकि जो एनिमी है ना वो यहाँ पे यार स्मोक के अंदर ही नेड डालेगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे हट के ना इसके नेड को ईजिली डॉज कर सकता था। और तभी यार ये बीआरडीएम वाला बंदा ना जो सामने की तरफ मेरे नीचे की तरफ एक शेक था उधर से आता है एंड अपने फिर सीधा क्लोज इन कर देता है, तो इसको भी यार इजीली लॉबी पहुंचा देते हैं। अभी के लिए यार यहाँ पे ना टोटल सात बंदे अलाइव थे, जिनमें कि एक बंदा ना मेरे लेफ्ट में था एंड एक बंदा जो सामने की तरफ स्मोक हो रखा था ना इधर था। तो अभी मुझे सबसे ज़्यादा खतरा ना इस स्मोक वाले बंदे से था, और जो मेरे पीछे की तरफ शेक से जो बंदा भी फायर ले रहा था ना उसको भी यार अभी कुछ ही देर में जोन के अंदर आना था। तो मेरे पास यहाँ पे यार थोड़े से मतलब लूट कम हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पे यार फटाफट लूट कर लेता हूँ। इसके बाद जो बंदा था ना इसको भी यार जोन के अंदर आना था।
और जो बंदा था ना वो यहाँ पे यार एक स्मोक करके स्मोक के अंदर लेट जाता है, बट यार ये मेरे को लकीली स्पॉट हो जाता है। अब इसका फिनिश भी अपने को मिल चुका था, एंड अभी जो जोन था वो अपने से यार थोड़ा 15 मीटर आगे शिफ्ट हो गया था, तो मैं यहाँ पे यार राइट वाले बंदे से ना फाइट लेने में बिजी हो गया, तो अभी मेरे को लेफ्ट वाले बंदे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वाला बंदा यार कहाँ पे होगा एंड कहाँ पे से, मतलब अब पूरा जो था ना सांप गेम रहने वाला था। तो मैं पहले तो यहाँ पे जो सामान था ना फालतू वो फेंक देता हूँ एंड बैग को यहाँ पे फेंक देता हूँ, और बैग फेंकने के बाद ना अभी यार मेरे को जो सामने वाला बंदा था उसकी बिल्कुल लोकेशन पता नहीं थी, एंड जो आखिरी बंदा था ना वो राइट में कहीं था। तो मैं भी सोचता हूँ यार यहाँ पे से ना लेफ्ट से थोड़ा सा फ्लैंक करके जोन के अंदर जा सकता हूँ, बट जो बंदा था ना वो भी अपने प्यार यहाँ पे फ्लैंक कर चुका था एंड इसने यहाँ पे अपना डब्बा बना दिया। अब यार इस वाले गेम से ना मेरे को 26 का अच्छा खासा प्लस मिल गया था। अब यार बात करें ना दूसरे वाले गेम प्ले की, जिसका कि मैंने यहाँ पे थंबनेल में ऐड किया हुआ कि अपनी फाइट ना इस वाले गेम प्ले में ना SPRSYT के साथ होने वाली है। तो यार जो SPRSYT था ना वो अभी यार ये मतलब अभी भी जिंदा था, तो मैं यहाँ पे यार किल फीड अच्छी खासी तरीके से रीड कर रहा था, तो इस वाले गेम में ना लगभग 2 या 3 हैकर आ रखे थे, तो जो हैकर से ना वो यार यहाँ पे बिल्कुल ही ओपन से फाइट लेते रहते, तो यहाँ पे वो लोग यहाँ पे कंपाउंड में तो स्लैम देने वाले थे नहीं, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल एक अच्छे खासे हार्ड कवर में था और मेरे सामने वाले घर में बिना एक बंदा होल्ड कर रहा था, तो अभी मुझे ये वाले बंदे का भी ध्यान देना था। एंड मैं भी वेट कर रहा था यहाँ पे कि जब तक जोन ना बने ना तब तक यहाँ पे इस वाले बंदे पे ना तो अपन क्लोज इन करेंगे ना इस पे कोई फाइट का अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे ना जल्दीबाजी करके कोई फायदा होने वाला था नहीं। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा एक ट्राई करने के लिए ना कि अगर ये वाला बंदा इधर अपने विंडो की साइड मेरे पे पीक मतलब TPP ले रहा होगा, तो इसको भी यार यहाँ पे क्या पता नेड वेड से इसका डब्बा बन जाए, बट ऐसा कुछ होता है नहीं। तो फिर अगला जोन जो था ना वो यहाँ पे यार शिफ्ट हो चुका था, एंड फिर भी हम अभी भी मतलब मैं यहाँ पे जोन के एक अच्छे खासे हिस्से में था, तो मुझे अभी भी सिर्फ यहाँ पे ना होल्ड करना था, एंड जो है करता ना वो राइट में यार यहाँ पे किसी से क्लोज फाइट लेके मर चुका था, तो अभी इतना तो कन्फर्म हो चुका था कि जो हैकर है ना वो उसका डब्बा बन चुका है। और अभी यहाँ पे से ना मैं अच्छे खासे तरीके से गेम को निकाल सकता हूँ, तो अभी के लिए जो छठा सर्कल था ना वो कुछ ही देर में बनने वाला था, एंड मैं यहाँ पे वेट कर रहा था यार सर्कल बनने का, एंड उसके बाद जो लेफ्ट वाला बंदा था ना इससे मैं फाइट का अप्रोच करता। तो यार अभी यहाँ पे ना देखते देखते अगला जोन जो था वो भी बन चुका था, तो अभी ये कंपाउंड वाले बंदे को भी यार अभी अपने पे क्लोज इन करना था, क्योंकि जो जोन था ना वो मेरे सामने की तरफ बना हुआ था, तो अभी मेरे को तो इस वाले बंदे पे पोस्ट करना था नहीं, बट जो ये वाला बंदा था ना इसको अपने पे पोस्ट करना था। और ये वाला बंदा यार अपने पे सीधा पोस्ट कर देता है, एंड ये यहाँ पे SPRSYT रहता है, तो ये यार काफ़ी देर से यहाँ पे होल्ड कर रहा था, एंड इसको तो अपन ने इजीली लॉबी पहुँचा दिया। तो अभी के लिए SPRSYT को भरने के बाद ना अभी अपने को भी यार कुछ ही देर में जोन में निकलना था। तो अगर आपके यार गेम प्ले में मज़ा आ रहा है ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही, एंड आज का अपना सब्सक्राइबर गोल है यार 350 सब्स का, तो देखते हैं यार कि आप लोग यार यहाँ पे अपने को 350 सब्स तक पहुँचा पाते हो या नहीं। तो अभी के लिए यार मेरे को भी जोन के अंदर निकलना था, एंड यहाँ पे अभी पहले काम था अपना यहाँ पे स्मोक्स डालना। और अब यहाँ पे यार स्मोक डालने के बाद ना अब मैंने यहाँ पे अच्छा खासा सर्वाइव कर लिया था, तो अब मेरे को यहाँ पे ना यार बस चिकन के लिए खेलना था, ताकि यहाँ पे मुझे अच्छा खासा और अच्छा प्लस मिल सके। और जैसे कि मैं आमतौर पर करता हूँ, मैं यहाँ पे जोन के अंदर एक स्मोक डाल देता हूँ, एक या दो स्मोक फैलाने के बाद वहाँ पे गाड़ी का कवर लगा लेता हूँ, एंड वहाँ पे यार मिले अच्छा खासा कवर हो जाता है, जिसके थ्रू मैं इजीली यहाँ पे खेल पाता हूँ। तो यहाँ पे अभी राइट से ना एक बंदा जोन के बाहर से आ रहा था, तो इस वाले बंदे को भरने के बाद ना अब जो जोन था वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया था, एंड अभी भी यहाँ पे 4 और बंदे अलाइव थे। तो यहाँ पे ना एक बंदा मेरे सामने की तरफ था जो कि यार यहाँ पे मिनी चला रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ना ये वाले बुश के ऊपर चढ़ जाऊँ तो ये वाले बंदे को स्पॉट कर सकता हूँ। अब ये वाले बंदे ने ना यहाँ पे मिनी से यार 2-3 बंदों को भर दिया था, एंड अब यहाँ पे सिर्फ 2 और बंदे अलाइव थे, जिनमें कि एक सामने वाला ये वाला बंदा था, एंड जो आखिरी बंदा था ना वो राइट वाले जो सामने की तरफ एक यूएस लगी थी ना इधर होल्ड कर रहा था। तो अभी के लिए यार यहाँ पे ना मेरे को भी जोन के अंदर निकलना था, एंड ये वाला बंदा भी यार शायद से यहाँ पे जोन के अंदर नहीं था, तो अभी के लिए मुझे पहले तो ना इस वाले बंदे का यार स्मोक करके व्यू ब्लॉक करना था, एंड उसके थ्रू अपने को भी यार सीधा जोन के अंदर कहीं पर होल्ड करना था।
अब यार जैसे स्मोक होता है ना एंड इस वाले बंदे का यहाँ पे विजन ब्लॉक हो चुका था, तो मैं यहाँ पे फटाफट गाड़ी लेके ना सीधा जोन के अंदर निकल पड़ता हूँ। और जोन के लगभग मैं सेंटर में आ चुका था एंड जो बंदा था ना वो सामने वाली यूएच के पीछे था। तो अभी के लिए यार इस वाले बंदे पे ना अपन नेट परेड करते हैं पहले। तो अब यहाँ पे ये वाला बंदा भी अपने पे नेड कर रहा था, तो मैं यहाँ पे मेरे पे जितने भी नेड रहते हैं ना मैं सारे इस पे नेड परेड कर देता हूँ। एंड दो तीन नेड करने के बाद ना मैं इसको यार यहाँ पे इसकी गाड़ी पे ना रैंडम स्प्रे दे देता हूँ, तो इसकी ये लगभग यार 1 HP रहा होगा। एंड इसकी टांगों पे यहाँ पे गोली पड़ जाती एंड इसका इसी बीच डब्बा बन जाता है। एंड इधर अपने को अपना विनर विनर चिकन डिनर भी मिल जाता है। अब यार इस वाले गेम से ना मेरे को यार 26 का सेम प्लस मिल गया था। एंड अगर आपको गेम प्ले पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। मिलते हैं आपको इस गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।